गाइस क्या हो अगर मैं आप लोग को बोलूँ आप लोग 10 मिनट की ट्रिक को यूज़ करके अपने आईडी में 30 वाला एड्रॉप लेकर आ सकते हो। क्या हुआ गाइस, विश्वास नहीं हो रहा ना गाइस। सबसे पहले तो आप लोग बैकग्राउंड में प्रूफ के लिए वीडियो देखो, ये थोड़े थोड़े मिनट बाद चेंज होती रहेगी। एंड गाइस मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ गाइस, मेरी आईडी में बैक टू बैक 5 एड्रॉप आए हैं जो कि 29 वाले थे पिछले महीने गाइस। एक महीने के अंदर अंदर मेरी आईडी में टोटल 7 से 8 एड्रॉप आए हैं एंड उनमें से जो मोस्टली एड्रॉप थे वो 29 वाले थे जो कि 5 के आसपास थे, 5 से 6 एड्रॉप थे। बाकी जो बचे एड्रॉप थे वो 79 वाले थे एंड जो कुछ एड्रॉप थे वो 65 या फिर थोड़ा सा कम प्राइस वाले जो होते हैं वो वाले एड्रॉप थे, ठीक है। बाकी मैं भी खुद शॉक्ड हूँ भाई कि ये चीज़ हो कैसे रही है मेरी आईडी में, मैंने ऐसा क्या यूज़ कर लिया पिछले 4 से 5 सालों में गाइस। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि बैक टू बैक इतने सारे एड्रॉप आ जाएँ एंड अभी मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। मैंने क्या क्या ट्रिक को यूज़ करा जिसकी वजह से मेरी आईडी में ये एड्रॉप आ रहे हैं आप लोग के सामने मैं रिवील करने वाला हूँ। आप लोग भी उस ट्रिक को यूज़ करके अपने आईडी में एड्रॉप लेकर आ सकते हो। तो ये वीडियो गाइस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बंदा इस वीडियो को स्किप कर करके देखेगा या फिर कुछ भी उल्टा सीधा मतलब वीडियो को कट कर देगा या बंद कर देगा तो भाई वो बंदा पछताने वाला है, क्योंकि ऐसे ट्रिक तुमको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। एंड मैं अपनी ट्रिक रिवील कर रहा हूँ तो भाई कुछ विश्वास पे ही कर रहा हूँ, ठीक है भाई। आप लोग से एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस, जितने बंदे चैनल पर आ रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बंदा कोई भी बंदा भाई अपनी ट्रिक रिवील नहीं करता। किसी को अगर अनलिमिटेड डायमंड की ट्रिक मिल जाती है तो वो भी रिवील नहीं करता। मेरे को अनलिमिटेड एयरड्रॉप की ट्रिक मिली है तो भाई मैं रिवील कर रहा हूँ आप सभी के फायदे के लिए, क्योंकि बहुत से बंदों के पास पैसे नहीं होते, बहुत से बंदे कम डायमंड के ऑफर लेना चाहते हैं, मतलब कम पैसों वाले ऑफर लेना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ गाइस, वरना कोई अपलोड नहीं करता। तो भाई इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये वीडियो टोटल 5 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें मैंने 5 ट्रिक तुमको बताई है, 5 ट्रिक जो तुम लोग यूज़ कर सकते हो एंड उनमें से जो तीसरे और 5वें नंबर की ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना वरना तुम्हारी कोई भी ट्रिक वर्क नहीं करने वाली है, ठीक है। गाइस सबसे पहले तो तुमको मैं कुछ चीज़ की क्लियरिटी दे देता हूँ ताकि तुम लोग को ये ट्रिक यूज़ करने में सबसे ज़्यादा आसानी हो। गाइस हर एक जो कंपनी होती है जैसे गरीना कंपनी हो गई या फिर यूट्यूब कंपनी हो गई, गूगल कंपनी हो गई या फिर और भी इंस्टाग्राम कंपनी हो गई, ठीक है, तो भाई हर एक कंपनी का एल्गोरिथम रहता है। जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम रहता है, उसको इंगेजमेंट चाहिए और वहाँ पर जो थंबनेल होता है उस पर क्लिक थ्रू रेट चाहिए तो आप लोग की वीडियो वायरल हो जाती है। इस तरीके से इंस्टाग्राम का रहता है, उसको वॉच टाइम चाहिए और शेयर चाहिए और इंगेजिंग वीडियो चाहिए तो हमारी रील जो है वायरल हो जाती है। एंड उसी तरीके से गेम में भी होता है, जितना तुम लोग ऑफलाइन रहोगे या फिर जितना तुम लोग कम एक्टिव रहोगे तो तुम लोग की आईडी में गरीना उतना ही लालच देने के लिए उतना ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें निकालता है। जैसे तुम लोग ने देखा होगा गाइस, कभी कभी तुम लोग ऑफलाइन जाते रहते होंगे 3-4 दिन, फिर जैसे तुम लोग ऑनलाइन जाते होंगे तुम लोग की आईडी में एक दो वाउचर पड़ा, जैसे तुम लोग स्पिन मारते होगे तुम लोग एकदम लक्की तरीके से तुम्हारा जो है वो एक दो स्पिन में ही निकल जाता होगा। तो ये चीज़ होती है गाइस, गरीना का डेटा जो तुमसे लेती है उस चीज़ को एनालाइज करके वो लोग अब देखते हैं कि भाई ये बंदा क्यों नहीं खेल रहा गेम, क्यों नहीं खेल रहा, तो उस चीज़ के लिए लालच के लिए तुम लोग को वो चीज़ देती है। बट ये चीज़ सिंपल तरीके से अगर तुम लोग करोगे तो भाई गरीना समझ जाएगा, क्योंकि वो भी भाई करोड़ों अरबों करोड़ों बिलियंस की कंपनी है तो उस लोग उसको सब पता है कि बंदे हमको कैसे चकमा दे सकते हैं, कैसे हम लोग को गुमराह कर सकते हैं और फेक तरीके से कुछ भी ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग गरीना को ही गुमराह करने वाले हैं, मतलब उसको ऐसा दिखाएंगे कि हम लोग ऑफलाइन है, हम लोग गेम नहीं खेलते, हम लोग बहुत ज़्यादा नूबड़े हो गए, हम लोग ने आईडी बेच दी, हम लोग ने मोबाइल तोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, हम लोग तुम्हारे गेम में इंटरेस्टेड नहीं है, तो भाई उसकी मदद से ही तुम्हारी आईडी में ड्रॉप आने वाले हैं। एंड पिछले टाइम में मैंने क्या क्या ट्रिक को यूज़ करी उस ट्रिक की मदद से गाइस तुम लोग इस चीज़ को पॉसिबल कर पाओगे। तो चलो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। गाइज़ फर्स्ट नंबर ट्रिक को बताने से पहले मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गाइज़ आप लोग ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कितने घंटे गेम को खेलते हो, 3 घंटे 4 घंटे 5 दिन में, एक दिन में तुम लोग एवरेज कितना घंटा गेम खेल लेते हो, तो उसी के हिसाब से हम लोग ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। गाइज़ तुम लोग को क्या करना है, फर्स्ट नंबर ट्रिक ये है गाइज़ हमारी कि तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑफलाइन रहना है। मान लो गाइज़ अगर तुम लोग 10 घंटे गेम खेलते हो, वैसे तो अभी लिमिट लग गई 6 घंटे की, तो आप लोग अगर 6 घंटे गेम खेलते हो तो आप लोग को खेलना है भाई आधा या 1 घंटा गेम, उससे ज़्यादा अगर तुम लोग गेम खेलोगे तो गाइज़ ये ट्रिक वर्क नहीं करने वाली। मैं तुम लोग को सबसे पहले बता दूं 3-4 दिन तो तुमको ऐसे ही खेलना है, आधे से एक घंटा जैसे तुम लोग जितना भी घंटा गेम खेलते हो, और ये एकदम 100% वर्किंग तरीके से तुमको करना है, कि ये नहीं कि भाई तुम अगर आधा घंटा खेलते हो तो तुम लोग आधा ही घंटा खेल रहे हो, भाई ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग आधा घंटा गेम खेलते हो तो तुम लोग को बस गेम ओपन करना है, सिंपल सा मैं तुमको बता देता हूँ। अगर तुम लोग 1 घंटा खेलते हो तो तुम लोग 10-15 मिनट खेलना है 3-4 दिन तक, और इस तरीके से तुम लोग को गेम को खेलना है ताकि गरीना को लग जाए कि भाई ये बंदा गेम में कम इंटरेस्ट रखता है, अभी इसको मज़ा नहीं आ रहा, इसको इंटरेस्ट जगाने के लिए हमको कुछ ना कुछ स्पेशल इसको देना पड़ेगा। जो फर्स्ट नंबर ट्रिक थी गाइस वो यही है, तुम लोग को अपने टाइम का जो है 10% गेम खेलना है। जैसे मान लो तुम 10% तुम लोग अपना कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 6 घंटा खेल रहे हो तो उसके हिसाब से तुम लोग को 10% ही गेम को खेलना है, 10 या 20%, ज़्यादा 20% ज़्यादा मत खेलना, ठीक है, वरना उतने अच्छे से ये ट्रिक वर्क ना करे। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड, आप लोग कैसा भी करो, फिर तो मैंने तुमको बता दिया जो भी तुमको करना है। तो फर्स्ट नंबर ट्रिक गाइस ये है, सेकंड नंबर ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो।
गाइस बढ़ते हैं अपनी सेकंड नंबर सेटिंग की तरफ, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस सेटिंग को तुम लोग प्रॉपरली नहीं रखते हो तो तुम लोग को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस सेटिंग को गाइस मैं तुम लोग को बता देता हूँ, तुम लोग को कुछ नहीं करना। अगर तुम लोग नॉर्मल फ्री फायर खेलते हो तो नॉर्मल फ्री फायर पर आ जाना, अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर, जैसे मैं यहाँ पर खोल के रखा हूँ इस तरीके से तुम लोग स्क्रीन पर आ जाना। बाकी अगर तुम लोग फ्री फायर इंडिया खेलते हो तो उस पर भी तुम लोग कर सकते हो, एंड जो भी तुम लोग गेम खेलते हो सब पे तुम लोग यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस तुम लोग को मैं एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, ये ट्रिक अभी वर्क कर रही है। अगर तुम लोग इसको एक साल बाद या फिर 9 महीने या फिर 10 महीने 20 महीने ऐसे देख रहे हो गाइस इस टाइम के बाद, तो गाइस हो सकता है इसका एल्गोरिथम चेंज हो गया हो, गर्गिना का एल्गोरिथम चेंज हो गया हो। वैसे तो हर महीने एल्गोरिथम चेंज होता रहता है, बट उतना ज़्यादा फेर बदल नहीं होती, कभी कभी बहुत ज़्यादा फेर बदल हो जाती है एल्गोरिथम में। तो हो सकता है ये आगे जाके वीडियो वर्क ना करे, या फिर करे आगे जाके वर्क वीडियो, तो तुम लोग को डरना नहीं है, कुछ इसी तरीके से एल्गोरिथम वर्क करेगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो यही होने वाला है सिंपल सा। तो तुम लोग को सेकंड नंबर ट्रिक में क्या करना है, सिंपल सा लॉन्ग प्रेस करके रखना है कोई भी गेम तुम लोग अगर खेल रहे हो, फ्री फायर मैक्स इंडिया या फिर तुम लोग फ्री फायर नॉर्मल वाला खेल रहे हो, तो उस पर भी तुम लोग को ऐप इन्फो पर चले जाना है। ऐप इन्फो पर जाने के लिए सबसे पहले तुमको नोटिफिकेशन वाली सेटिंग ऊपर देखने के लिए मिलेगी। तुम लोग को नोटिफिकेशन वाली सेटिंग तुम्हारी ऑन होगी, तो इस तरीके से तुमको ऑफ कर देना है इसको, सभी की ऑन रहती है, डिफॉल्ट ही है। एंड सेकंड परमिशन वाली सेटिंग को तुमको कुछ नहीं छेड़ना। सेकंड तुमको जाना है डाटा यूजेस वाली सेटिंग में। ये गाइस यहाँ पर तुम्हारी डाटा यूजेस नहीं सॉरी बैटरी यूजेस में तुम लोग को जाना है। ये सेटिंग तो गाइस तुम्हारी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तुमको करना क्या है मैं तुमको सिंपल सा बता देता हूँ गाइस। इस तरीके से तुम्हारी ये दोनों सेटिंग जो है ऑन होगी, सिंपल सा तुम्हारे पास एक ही सेटिंग ऑन होगी, अलाउ फोरग्राउंड एक्टिविटीज़। तुम लोग को अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ पर भी क्लिक कर देना है, एंड अलाउ ऑटो लॉन्च पर भी तुम लोग को क्लिक कर देना है। इससे तुम्हारा जो है एयरड्रॉप आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 20% तक इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड जो गाइस डाटा यूजेस, एंड तुम्हारा ये डाटा यूजेस इस तरीके से ऑफ है तो इस तरीके से ऑन कर लेना, अगर ऑन है तो ऑन ही रहने देना, सिंपल सा बैक आना है। सेकंड है कैश वाली सेटिंग, इसमें तुमको कुछ नहीं करना है। तो गाइस ये तो थी हमारी सेकंड नंबर सेटिंग, इसको तुमको जरूर से अप्लाई करना है अपने गेम में। एंड जो फर्स्ट नंबर सेटिंग थी, अगर तुम उसको फॉलो नहीं करते और सेकंड नंबर सेटिंग पर सीधा आ जाते हो तो भाई कहीं ना कहीं ट्रिक वर्क नहीं करने वाली, वो तुमको पहले ही बता देता हूँ। गाइस आज की जो थर्ड नंबर ट्रिक होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको तुम अगर यूज़ सही से नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है एयरड्रॉप लाने में, एंड कहीं ना कहीं तुम्हारी जो है ट्रिक थोड़ी सी फेल हो सकती है। तो गाइस सबसे पहले तुमको प्रूफ के लिए मैं दिखा देता हूँ। गाइस मेरी आईडी में अभी के टाइम पर भी 100 डायमंड वाला एयरड्रॉप चल रहा है, जो कि काफ़ी सही ठीक ठाक ऑफर है। एंड गन स्किन वगैरह भी इसमें दिख रहे को मिल रही है, 1769 रुपीज़ का एयरड्रॉप है। तो भाई देख सकते हो प्रूफ के लिए मैंने तुमको दिखा दिया, ऑलरेडी मेरी आईडी में तुम लोग डायमंड देख सकते हो, सारे के सारे एयरड्रॉप के ही डायमंड है। बाकी गाइस तुम लोग को मैं थर्ड नंबर सेटिंग बता देता हूँ तुम लोग को करना क्या है। गाइस सबसे पहले तुम लोग का मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे अंदर बंदों के अंदर एक डाउट है जो कि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ने वाला है। अगर तुम लोग इस सेटिंग को एडिशनल तरीके से यूज़ करते हो तो और ज़्यादा तुम लोग को फायदा होने वाला है। गाइस यहाँ पर तुम लोग जैसे सेटिंग्स में आओगे, यहाँ पर तुमको एज रेंज दिख रही होगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा होगा बिलो 18 एंड बिलो 18 अबव, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर तुम लोग को सेलेक्ट कौन सा करना है, ठीक है। और गाइस तुमको करना क्या है, तुम लोग इसको 30 डेज़ में एक ही बार चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हारा बिलो 18 है, अगर तुम 18 से कम के हो, तो गाइस तुम्हारी आईडी में क्या हो सकता है कि एयरड्रॉप आने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए एयरड्रॉप ज़्यादा आएंगे। क्योंकि अगर अबव 18 है, मेरा तो वैसे अबव 18 है मेरी आईडी में, तभी थोड़े बहुत एयरड्रॉप आ रहे हैं। एंड अगर तुम्हारा अबव बिलो 18 है, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कन्फ्यूज़ हो गया मैं तो, क्या है भाई ये, ठीक है। तो तुम लोग को बता देता हूँ गाइस, अगर तुम लोग 18 साल से कम के हो, अगर तुम लोग बिलो 18 पर सेलेक्ट करते हो तो तुमको चांसेस बढ़ जाएंगे एयरड्रॉप ज़्यादा आने के। तो ये सबसे ज़्यादा मस्त ट्रिक है। एंड जो एडिशनल ट्रिक है मैं तुमको बता देता हूँ थर्ड नंबर ट्रिक में, तुम लोग को सही से मैं समझा देता हूँ। गाइस पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग क्लियर कैश कर सकते हो, यहाँ पे आके तुम लोग क्लियर कैश कर सकते हो। एंड बट गाइस आज की इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, एंड एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। एंड तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ गाइस अच्छे से, यहाँ से अगर तुम क्लियर कैश करोगे तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा ओल्ड डेटा है वो क्लियर हो जाएगा, तुम लोग ने कितना गेम खेला कितना नहीं खेला, तो कहीं ना कहीं गरीना के पास वो अच्छे से नहीं पहुँचेगा, तो तुम लोग को कहीं ना कहीं एयरड्रॉप आने में प्रॉब्लम हो सकती है। पहले ये चीज़ वर्क करती थी बट अभी ये वर्क नहीं कर रहे, तो आप लोग को क्लियर कैश नहीं करना है। तो ये थी हमारी थर्ड नंबर ट्रिक। एंड जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम उसको यूज़ नहीं करते, मैं पहले ही बता देता हूँ, उसकी मदद से गाइस तुम्हारा 50% तक चांसेस बढ़ जाएंगे एयरड्रॉप आने के। एंड बाकी मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। गाइज आज की जो वीडियो की जो फोर्थ नंबर ट्रिक होने वाली है, जिसको मैंने यूज़ करा, मोस्टली मैंने इस चीज़ को यूज़ करा तभी मेरे इतने ज़्यादा एयरड्रॉप आया है। गाइज आपको क्या करना है, आप लोग अगर स्क्वाड में ज़्यादातर गेम खेलते हो तो आप लोग को सोलो गेम ज़्यादा ट्राई करनी है। आप लोग अगर स्क्वाड में ही खेलते हो, अगर आप लोग सोलो खेलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग स्क्वाड में ज़्यादा खेलते हो या फिर क्लैश स्क्वाड ज़्यादा खेलते हो तो आपको ट्राई करना है कि भाई आप सोलो में रैंक गेम खेलो, ठीक है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं एयरड्रॉप आने के। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, मेरे भी काफ़ी अच्छे गेम है, मतलब मैंने तो वैसे उतने ज़्यादा खेले नहीं इस चीज़ें, वैसे मेरे किल वगैरह तुम लोग देख सकते हो
भाई 44 किल मैंने 8 गेम में कर दिए हैं सोलो में, एंड 4 भुया भी निकाले हैं। तो तुम लोग सोलो गेम ज़्यादा ट्राई करना, मेरे जितने भी एयरड्रॉप आए हैं गाइज वो सोलो में ही आया, एक दो एयरड्रॉप आया बस क्लैश स्क्वाड में, बाकी जितने मैंने सोलो गेम खेले तो उसमें तुम्हारे एयरड्रॉप मेरे एयरड्रॉप है वो ज़्यादातर आए हैं। एंड गाइज अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू माई गाइस, गाइज आज की जो वीडियो की लास्ट ट्रिक होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग के मोबाइल में ये सेटिंग्स नहीं है तो मैं आपको एक अल्टरनेटेड तरीका भी बता दूंगा। जब से गाइज मैं ये सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ मेरा लैग भी कम हो गया, मेरा पिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, उसके साथ में मेरे एयरड्रॉप भी आ रहे हैं, एंड बहुत सी चीज़ें मेरी आईडी में जो है इंप्रूव हो गया, मेरे मोबाइल में इंप्रूव हो गया। अब सेटिंग क्या है मैं तुम लोग को पूरा अच्छे से बता देता हूँ। गाइज सबसे पहले तुमको आ जाना है प्ले स्टोर पर, सबसे पहले तुमको चेकआउट कर लेना अगर तुम्हारा लो एंड डिवाइस है या फिर अदर कंपनी का मोबाइल है, रियलमी सैमसंग वगैरह का है, तो शायद से तुमको डिजिटल वैल्यूम का ऐप तुमको ऑटो डिफॉल्ट जो है डाउनलोडिंग मिल जाएगा। बाकी तुम्हारा अगर Xiaomi का है या फिर MI का है उन सब मोबाइल में शायद से ना देखने को मिले। बाकी तुम लोग उसमें ऐप किलर नाम से एक ऐप आता है, ऐप किलर तुम लोग को यहाँ पे सर्च करना है ऐप किलर, बाकी ये तुम लोग यूज़ करके कर सकते हो ठीक है। ऐप किलर जैसे तुम लोग यहाँ पर आओगे ये रहा गाइस ये वाला ऐप है, जैसे तुम लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम लोग कुछ ऐप सेलेक्ट कर लेना, मैं तुमको पहले डिजिटल वेलबींग में दिखा देता हूँ। बाकी जो ये वाला जो ऐप किलर है इसमें तुम लोग को करना क्या मैं छोटा सा तुमको समझा देता हूँ। अगर तुम्हारे में डिजिटल वेलबींग नहीं है तो बाकी तुम्हारे अब मैं अगर डिजिटल वेलबिंग है तो तुमको ऐप किलर यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुमको सर्च करना है डिजिटल वेलबिंग, जैसे तुम लोग यहाँ पर सर्च करोगे तुम यहाँ पर आ गया ठीक है, मैं तुमको दिखा देता हूँ डिजिटल वेलबिंग। तुम यहाँ पर जैसे सर्च करोगे तुम लोग को प्ले स्टोर पर देखने के लिए ये वाला ऐप तुमको मिल जाएगा। अगर तुम्हारा ये अपडेट नहीं है तो इसको अपडेट कर लेना है ठीक है। अगर मेरा जैसे अपडेट नहीं है, अभी इसमें अपडेट आ गया है तो मैं इसको अपडेट कर लूँगा, एंड इसको तुमको ओपन कर लेना है। अगर जिस लोग के मोबाइल में नहीं है वो ऐप किलर यूज़ करना, बस तुम लोग को फ्री फायर को छोड़ के बाकी सारे ऐप सेलेक्ट कर लेना है ठीक है, और गेम मोड को छोड़ के बाकी सारे ऐप को सेलेक्ट कर लेना है। एंड तुम लोग को मैं दिखा देता हूँ गाइस डिजिटल वेलबींग तुमको कैसे यूज़ करना है। तुम लोग को सबसे पहले अपनी सेटिंग में आना है, ये तुमको डिफॉल्ट ऐप जो है तुम्हारे ऐप गैलरी में नहीं देखने के लिए मिलेगा, तुमको सेटिंग में मिलेगा। यहाँ पर तुमको सर्च करना है डिजिटल वेलबींग, जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खाली डिजिटल डाला तो यहाँ पर डिजिटल वेलबींग करके एक ऐप एप्लीकेशन आ गया। तो गाइज़ यहाँ पर तुम लोग को सिंपल सा ऑप्शन क्या मिलेगा ना, जैसे तुम लोग थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पर तुमको एक फोकस मोड करके ऑप्शन मिलेगा ठीक है। तो जैसे तुम लोग फोकस मोड में जाओगे यहाँ पर तुम लोग सारे ऐप सेलेक्ट कर लेना, जितने भी तुम्हारे मोबाइल में ऐप पड़े हैं फालतू के ऐप है या फिर जो इंपॉर्टेंट ऐप है सारे, जब भी तुम लोग गेम खेलो तभी सेलेक्ट करने हैं, बाकी तुम लोग इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हो। जैसे तुम लोग गेम खेलने जाओ तुमको सारे ऐप सेलेक्ट कर लेने, बस ये तुमको दो फ्री फायर मैक्स और गेम पे जो भी तुम्हारा गेम मोड है गेम स्पेस है उस पर अनटिक करके बाकी सारे ऐप पर तुमको टिक कर देना है। जैसे तुम लोग सारे ऐप पे टिक कर दोगे तुम लोग को ऊपर जैसे तुम लोग सामने जाओगे तो यहाँ पर तुमको टर्न ऑन करके ऑप्शन मिलेगा। जैसे तुम लोग इस पर टर्न ऑन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ देर के लिए तुम्हारा मोबाइल थोड़ा सा अटक जाएगा, फिर तुम्हारा सही हो जाएगा ऑटोमेटिक और तुम्हारा मोबाइल बहुत ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। इसको यूज़ करने के बाद अगर तुम लोग गेम खेलोगे तो वो भी स्मूथ होने वाला है। एंड जैसे तुम लोग मान लो अगर तुम लोग 5 घंटा गेम खेल रहे हो, अगर तुम 1 घंटा गेम खेलने जा रहे हो या फिर 10% खेलने जा रहे हो, आधा घंटा गेम खेलने जा रहे हो, तुम लोग को इस सेटिंग को ऑन करके गेम को खेलना है। अगर तुम लोग सेटिंग को ऑन करके गेम को खेलते हो गाइस मैं आप लोग को लिख के दे देता हूँ आप लोग की आईडी में एयरड्रॉप आएगा, गारंटी आएगा जो ट्रिक मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट करना आके भाई गारंटी आ जाएगा गाइस एयरड्रॉप। मैं क्योंकि मैं इस ट्रिक को यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग को बैकग्राउंड में वीडियो दिख रही है, कोई फेक वीडियो में बना नहीं रहा हूँ, आप लोग को प्रूफ के साथ सब कुछ दिखा रहा हूँ। तो बस यही था गाइस आज के इस वीडियो में, एंड इन ट्रिक को यूज़ करके तुम लोग अच्छा खासा एयरड्रॉप ला के लेकर आ सकते हो अपनी आईडी में। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।